नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का पर्व जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 13 राज्यों में 88 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों के लिए भी वोटिंग का काम जारी है। एमपी में जिन 6 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना और टीकमगढ़ की सीटें हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में भी चुनाव जारी है। हालांकि कांकेर के कई इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा। कैसा रहा दूसरे चरण का मतदान, इस पर क्या कहना है मतदाताओं का, क्या है यहाँ की असली रिपोर्ट, इस पर हम तमाम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। साथ में हमारे साथ मेहमान भी होंगे, गिरजाशंकर जी भी हैं और मनीष भी होंगे साथ में, अनुराग द्वारी, नीलेश त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी भी हमारे साथ रहेंगे। तो हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं। नीलेश, बताइए आप कहाँ पे हैं, क्या कैसा चल रहा है वहाँ पर मतदान? देखिए बाबा, मैं अभी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो जिला है वहाँ के गंडई एक एक पोलिंग बूथ पे हूँ और लगभग अंतिम समय है, तो देखेंगे कि पोलिंग बूथ लगभग खाली ही नज़र आ रहा है। लेकिन मैं एक बड़ी खास तस्वीर और उस घटना के बारे में आपको जिक्र करना चाहूँगा। सुबह के वक्त मैं जो बैगा जनजाति हैं कबीरधाम जिले में जो निवासरत रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ से जो तस्वीर निकल कर आई कि माएँ अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर, जैसे लक्ष्मीबाई की हम कहानियाँ सुनते थे कि वो युद्ध लड़ने जब गई तो पीठ पर अपने बच्चे को बांध लिया था, एकदम वही तस्वीर नज़र आई। और सिर्फ एक नहीं, कई सारी माएँ वोट देने ऐसी तरह से पीठ पर बांध कर लेकर आई, तो उससे एक मैसेज गया कि वो जो जिम्मेदारी है वो माँ की अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी और वो एक वोटर की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी, दोनों ही खास तस्वीरें नज़र आईं वहाँ पर एक ही फ्रेम में। और ये इतनी खूबसूरत तस्वीर, मैंने इतने इलेक्शन कवर किए बाबा, लेकिन आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नज़र नहीं आती कि पीठ पर माएँ अपने बच्चों को लाद कर वोट देने के लिए लाइन भी लगती हैं, आती भी हैं और लाइन भी लगती हैं, इंतज़ार भी करती हैं अपनी बारी का और उसके बाद वो वोट देती हैं। और वो इलाका था जहां पर मैं जब उनसे बात कर रहा था तो बताई वो कि वहां न तो सड़क पहुंची है, न तो पूरी तरह बिजली पहुंची है, न तो पानी की सुविधा है पीने की और ना ही स्कूल, हाई स्कूल है, ना ही कॉलेज है, अस्पताल तो दूर की बात है उनके लिए, अस्पताल एक सपने जैसा है। आज भी उस इलाके में भी इस उम्मीद के साथ लोग बड़े संख्या में वोट करने निकले कि अब जो नई सरकार हम चुनेंगे वो सरकार हमारी जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो 70 साल बाद भी हम नहीं पाए हैं वो उसको शायद सरकार दे देगी। और इतनी लंबी लाइनें वहाँ पर लगी थी, ये जो तस्वीर थी वो मेरे जहन में सुबह से ही घूम रही है बाबा। अभी जबकि शाम हो चुका है और शाम में अब चूंकि अंतिम वक्त है तो कई सारे लोग जो अभी तक नहीं पहुंचे। नीलेश, मुझे ये बता दीजिए, नीलेश मुझे ये बता दीजिए, इस जहां पे आप खड़े हैं और बाकी जो 3 सीटें जो चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ का, वहां का राजनीतिक गणित क्या है? देखिए, ये लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव आता है बाबा और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी जो थे संतोष पांडे उन पर ही भरोसा जताया है। तो इस मामले में हालांकि पिछले कई चुनावों से, सिर्फ 2009 में एक, 2012-11-12 में एक उपचुनाव में सिर्फ कांग्रेस के हाथ ये सीट आई थी, लेकिन उससे पहले हर बार जब भी मुख्य चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ये सीट बीजेपी के कब्जे में ही रही है। लेकिन इस बार चुनाव चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो यहां से 8 में से 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से में हैं, उस लिहाज से कांग्रेस बड़ी मजबूत और सबसे ज्यादा मजबूत अगर पूरे 11 सीटों में कहीं मानी जा रही है तो उनमें से एक सीट ये राजनांदगांव सीट भी है, तो काफी कांटे का मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है। इसके बाद एक कांकेर सीट है, कांकेर सीट पर भी पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 5,700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, बीजेपी ने अपने उन प्रत्याशी को बदल दिया है, यानी कि उनको भी पता था कि जनता उनसे खुश नहीं है और जबकि कांग्रेस ने अपने हारे वाले प्रत्याशी पर ही दाव लगाया है वहां पर भी काफी कांटे का मुकाबला है। तीसरी सीट है महासमुंद, महासमुंद से भी कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं और मुख्यमंत्री के एक समय में दावेदार रहे, गृह मंत्री रहे और केंद्र में भी अच्छी पकड़ रखते हैं ताम्रध्वज साहू, उनको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी से, वहां से रूप कुमार चौधरी हैं और कांकेर, ये तीनों जो सीटें हैं यहां पर कांग्रेस बिल्कुल फाइटिंग मोड में नजर आ रही है और पोटेंशियल वाली जो सीटें हैं कांग्रेस के लिहाज से वो ये तीनों ही सीटों पर है। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये 4 तारीख को ही सामने आएगा बाबा। एक और सवाल है नीलेश, उसके आपको जाने देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी खासी है छत्तीसगढ़ में, इसका मतलब लोग आते हैं निकलकर बाहर वोट डालने के लिए छत्तीसगढ़ में, बाकी राज्यों वाली स्थिति नहीं है वहाँ पर,
भले ही नक्सली इलाका हो, भले ही दूर दराज के इलाके हो, लेकिन वोट निकलते, वोट डालने आते हैं। बिल्कुल बाबा, मैं तस्वीर जो आपसे साझा कर रहा था, जिसके बारे में जो किस्सा साझा कर रहा था, वो एकदम आदिवासी इलाका है। वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में, सुबह 6 बजे मैं पहुँचा था और 7 बजे से वोटिंग थी, फिर भी लोग बैठ गए थे कि मुझे वोट देना है। लेकिन जब शहरी इलाकों की बात करते हैं बाबा, तो मैं कबीर धाम के सबसे आदर्श जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी पहुँचा था। दोपहर के करीब 3 बजे बज रहे होंगे, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और उस समय तक महज 33% वोटिंग ही हुई थी उस शहरी इलाके में। तो कई बार हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सुविधाएँ भोगते हैं, जो सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, वही लोग मतदान के वक्त खुलकर बाहर नहीं आते, निकलते नहीं हैं, लेकिन जिनको सुविधाएं नहीं मिलती वो बड़ी संख्या में मतदान करने आते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ भी वही देखने को मिलता है, और खासकर जो आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर बंपर वोटिंग होती है, लेकिन शहरी इलाकों में लोग सुविधाओं के कह लें या फिर अपने काम में इतना उलझे रहते हैं कि वोट देने नहीं पहुंचते बाबा। चलिए, विकास भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आप बताएं, आप कहां पे हैं, किस ढंग की वोटिंग हुई है वहां पर? देखिए बाबा, मैं कांकेर लोकसभा के अंतागढ़ विधानसभा में हूँ और उस इलाके में हूँ जहाँ सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग हुई। और सबसे खास बात ये थी कि मैं छोटे बेटिया के इलाके में गया हुआ था, वो इलाका जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत 16 तारीख को एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 माओवादी मारे गए थे। माओवादियों ने कल एक बंद का आह्वान भी किया था इस इलाके में, और साथ ही साथ इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था और आह्वान भी किया था कि कोई ग्रामीण भी इसमें शिरकत ना करे। सुबह से ही लेकिन देखने को मिलता था कि छोटे बेटिया में ही दो अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही थी। हमने वो तस्वीर भी NDTV के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाई थी कि एक ही जगह दो पोलिंग बूथ है, एक पोलिंग बूथ में जो नदी है उसके दूसरे तरफ के लोग जो जनताना सरकार के कब्जे वाले इलाके हैं वहां के एक भी लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे वोट देने, उनमें दहशत साफ नजर आ रही थी। हमने आलदंड जैसे गाँव में भी जाकर शिरकत की, ग्रामीणों से बातचीत की, ग्रामीणों ने कहा कि एक माओवादियों के फरमान का डर तो है ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कही उन्होंने कि कोई नेता उनके गांव वोट मांगने नहीं आता, उनकी तकलीफों को साझा करने नहीं आता, उनकी स्थिति को देखने नहीं आता, तो आज वोट के समय वो क्यों वोट देने जाए। मतलब डर के साथ साथ उनके अंदर एक नाराजगी भी देखी जा रही थी। इसके बावजूद दूसरे जो ग्रामीण इलाके थे जहां पे माओवादियों का फरमान का असर नहीं था, वहां देखने में आ रहा था कि कड़ी धूप थी, तेज धूप के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद धूप में बैठी थी महिलाएं अपने वोटिंग का अधिकार का प्रयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। उनमें एक उम्मीद थी कि हम वोट देंगे, यही हमारा पर्व है, आज अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही तौर पर इसका असर आगे चलकर विकास के तौर पर उन्हें देखने को मिलेगा, उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, एक उम्मीद थी उनके अंदर बाबा जी। ये तो बात हो गई कि किस उम्मीद से लोग होते हैं। मैं अभी जो है नीलेश से भी बात कर रहा था कि कितनी भी तकलीफें हो, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होता है, अच्छा खासा होता है, लोग निकलते हैं भले ही दशहत का माहौल हो चाहे कुछ भी हो। आप हमारे साथ बने रहिए। गिरजा शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरजा शंकर सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। जो बात हमारे दोनों सहयोगी कह रहे हैं, नीलेश भी कह रहे हैं, विकास तो दूर दराज के इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं, उनका तो उनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, दुर्गम इलाके हैं, लेकिन लोग निकलते हैं वोटिंग करने के लिए। वो दिन खत्म हो गया जब नक्सली एक आह्वान कर देते थे और वोटिंग नहीं होती थी। पिछले 4-5 चुनाव को आप देखें, विधानसभा और लोकसभा दोनों में, तो बस्तर इलाके में वोटिंग जो है वो हमेशा अच्छी होती रही है। जहां पर कभी 20-22% वोटिंग होती थी, वहां पर 70% से ऊपर वोटिंग होती रही है। और मुझे लगता है कि बस्तर इलाके में जो वोटिंग अधिक होती है वो किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में होने के साथ साथ जो माओवादी जो आंदोलन है या माओवादी हिंसा है ये उसके खिलाफ वोट, उनकी मानसिकता दिखाते हुए, उनके खिलाफ वोट करते हुए दिखते हैं। आप देखेंगे कि जब भी माओवादियों ने इस बात का आह्वान किया कि वोटिंग न की जाए और वोटिंग का बायकॉट किया जाए, और उस दौर में विधानसभा या लोकसभा दोनों चुनाव में आदिवासी इलाकों में, खासकर बस्तर में, वोटिंग 70% से ऊपर होती रही है, कई 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 जगहों पर तो 80% तक वोटिंग गई है। और जो बस्तर में अधिक वोटिंग होती है उसका एग्रीगेट मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में वोटिंग अधिक दिखती है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उससे ये स्पष्ट नहीं है कि पहले दौर में जिस तरह पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग कम हुई थी, अभी इस बार जो है वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में कम है या बराबर है या उससे अधिक है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के आसपास ही छत्तीसगढ़ की वोटिंग रहेगी। चलिए मनीष जी, छत्तीसगढ़,
मनीष जी आपको आवाज आ रही है मेरी? माफ कीजिए मयंक जी। हेलो, आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। मैं ये पूछ रहा था छत्तीसगढ़ में चाहे कुछ भी हो जाए लोग वोट डालने आते हैं, ये एक बाकी शहर के लोगों को जिनको धूप लगती है गर्मी लगती है उनके लिए बड़ी सीख है। हाँ निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक समय तक काफी पिछड़ा राज्य रहा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुविधाओं की बढ़ोतरी हो रही है विकास कार्य आ रहे हैं तो लोगों का जो है लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और इसी विश्वास के चलते जो है वो एक उम्मीद के साथ वोटिंग करने के लिए आते हैं कि उनके गाँव में जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को जो है नदियां पार करने के लिए कच्ची डबरियां बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, आज उन नदियों पर छोटे बड़े पुल बन रहे हैं, सड़कें जहां जो है लंबे बहुत दूर दराज के जो गांव है वहां पहुंचने के लिए जो सड़कें नहीं थी उन सड़कों का निर्माण हो रहा है तो उनके भीतर एक उम्मीद जागी है और इसी उम्मीद का नतीजा है कि लोग जो है लगातार वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। आपने बस्तर के इलाकों में पिछली जो पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन बूथों पर भी लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे थे जहां पर एक समय तक जो है बूथ के आसपास ग्रामीण या मतदाता भटकते नहीं थे और उन्हीं बूथों पर अब जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लोग मतदान के लिए आ रहे थे तो एक उम्मीद है उन लोगों को जो पिछड़ापन छत्तीसगढ़ का है उसको दूर करने के लिए उनको लगता है कि सरकार ही एक मजबूत सरकार जो है उनका पिछड़ापन दूर कर सकती है, उन्हें सुविधाएं दे सकती है, क्षेत्र का विकास कर सकती है। इस उम्मीद के कारण धीरे धीरे जो है वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। जी मयंक जी जी विकास आपके पास आना चाहूंगा। विकास अब आप बताइए कि वहां पर राजनीतिक गणित क्या है आपके कांकेर सीट की? देखिए कांकेर सीट की अगर राजनीतिक गणित देखे जाए बाबा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर देखिए टिकट का बंटवारा हुआ, मनोज मंडावी जीते हुए सांसद थे उनकी टिकट कट गई और भोजराज नाग जो कि हारे हुए विधायक थे उन पर पार्टी ने दाव खेला क्योंकि उनके अंदर एक उन्होंने लगातार हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ था। और एक खास बात और बताओ बाबा, लगता है कि मनोज मंडावी जी को भी आखिरी आखिरी में ये बात पता चल गई थी कि तो हिंदुत्व के साथ चलेगा कहीं ना कहीं पार्टी में टिकट का असली दावेदार ये वही होगा और यही कारण है आपने खबर सुनी होगी कि उन्होंने जो कांकेर के सांसद हैं वो लगातार रामचरितमानस बांट कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिंका बुक में अपने नाम दर्ज करवा रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो लगातार हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं लेकिन फिर भी उनका टिकट कट गया। भोजराज नाग को टिकट मिला है जो लगातार मन से ये कह रहे थे कि मैं झाड़फूंक के साथ या देवी धामी के साथ भी आपकी तकलीफों को समाप्त कर दूंगा, सरकार के साथ तो करूंगा ही। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात कि चुनाव के एंड टाइम पर शिशुपाल सोरी का कांग्रेस छोड़ भाजपा में चला जाना, ये भी भाजपा कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान था और ये भी देखने में को मिल रहा था कि अंदरूनी इलाकों में कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला ठीक से नजर नहीं आ रहा था। भाजपा का कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी हाई था और बीते समय भी अगर देखे जाए हालांकि कांग्रेस को इस जो लोकसभा सीट है इस पर हमेशा बढ़त रही है, अरविंद नेताम लंबे समय तक इस सीट से सांसद रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ की सोच बदल रही है। ये बात और है कि हमरराज पार्टी ने भी अच्छी कोशिश की थी, अगर आपको याद हो तो भानु प्रतापपुर वो इलाका है जहां पर लोग विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था तब भी आदिवासी जो सर्व आदिवासी समाज की जो पार्टी थी उन्होंने अच्छा खासा छकाया था जो मुख्य पार्टी है उनको। इस बार भी हमरराज पार्टी ने अच्छी खासी मेहनत की, लोगों को सोचने पर मजबूर किया क्योंकि इस इलाके के जो आदिवासी बाबा वो पढ़े लिखे हैं और ज्यादा समझदार हैं और वो बाकी जगह के जो आदिवासी हैं बस्तर के अगर दूसरे इलाके के आदिवासियों की बात की जाए उनकी तुलना में वो लोग ज्यादा आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि हमें किस तरफ जाना ज्यादा ठीक होगा। इसी वजह से हमरराज पार्टी ने भी कहीं ना कहीं तकलीफ में या समस्या में डालकर रखा था मुख्य पार्टियों को लेकिन ये है कि वो बटोर पाने में हमरराज पार्टी सामाजिक तौर पर कितना सफल हो पाएगी ये देखना होगा लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ की सारी परिस्थितियों को देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनके साथियों को छोड़कर जाना नुकसान पहुंचाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास आपका और नीलेश आपका। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो जिन सीटों पे वोटिंग हुई है दमोह होशंगाबाद खजुराहो रीवा सतना टीकमगढ़, गिरिजाशंकर जी आप क्या आकलन है इन सीटों के बारे में, क्या कोई कंटेस्ट है यहाँ पर इन सीटों में यदि हम मध्य प्रदेश की चर्चा आप करें तो? छह सीटों में चुनाव हो रहे हैं तो उसमें
जिस तरह से पहले दौर में छिंदवाड़ा एक वीआईपी सीट थी जिस पर पूरे देश की निगाह थी, वैसी कोई सीट अभी इन 6 सीटों में नहीं है। हालांकि टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो लो प्रोफाइल नेता रहे हैं, इसलिए उनकी बहुत कहीं चर्चा आपको नहीं मिलेगी देखने को। वीडी शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खजुराहो से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था उसका नामांकन निरस्त हो गया, तो एक तरह से बीजेपी को वॉकओवर मिल गया। तो वहां पर भी कोई ऐसा कॉन्टेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अलबत्ता जो वोटिंग जो अभी तक खबर आ रही है कि रीवा में शायद वोटिंग बहुत कम हुई है, कुछ एक दो सीटें और हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज यदि पहले दौर के चुनाव की तरह ही मध्य प्रदेश में यदि होती है तो फिर ये माना जाएगा कि इस बार आने वाले चरण में भी वोटिंग इस तरह की होगी। आप देखेंगे कि पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव हुए पहले दौर में, यानी कि पूरे देश में कुछ कुछ सीटों में हर राज्यों में चुनाव हुए और पूरे कंट्री वाइड जो वोटिंग का परसेंटेज था वो कम था। यदि हिंदी बेल्ट की बात करें तो हिंदी बेल्ट में तो 7 से 8% तक वोटिंग कम हुई है। तो ऐसे में कोई ऐसा कारण नहीं बनता मेरे समझ से कि पहले दौर में वोटिंग कम हो और बाद के दौर में वोटिंग बढ़ जाए, तो वो 1-2% का फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार ओवरऑल वोटिंग कम होने की गुंजाइश ज्यादा दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कम होने की गुंजाइश की क्या क्या किसको नफा नुकसान है? हालांकि कोई ऐसा नियम है नहीं, लेकिन फिर भी आकलन तो हम और आप कर सकते हैं। अभी ये थंब रूल तो नहीं है, लेकिन जो वातावरण बना जितने एग्रेशन के साथ में बीजेपी चुनाव लड़ रही, खासकर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जो पहले दौर के 6 सीटों में भी और दूसरे दौर के 6 सीटों में भी जो उनके स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा है उनके अध्यक्ष, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, लगभग हर लोकसभा में इन्होंने पहुंच के अपनी अपनी सभाएं की या रोड शो किया। इसकी तुलना में कांग्रेस को देखें तो इक्का दुक्का आम सभाएं राहुल गांधी की हुई हैं, कोई बड़ी सभा कोई बड़ा कंपेन उनका नहीं चला है। तो ऐसे में जब कांग्रेस से बीजेपी चुनाव प्रचार में बहुत आगे है, बीजेपी ने जो नारा दिया था कि हर बूथ में 200-370 वोट अधिक लेना है और 50% 60% से ऊपर वोटिंग मतलब वोट लेना है, तो और जो बूथ प्रभारी पन्ना प्रभारी के स्तर पर जो एक पूरा नेटवर्क बनाया गया था, यदि उसको देखें और उसके बाद यदि वोटिंग कम होती है तो जाहिर है कि बीजेपी का जो अभियान है उसको नुकसान कितना होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अपरेंटली ये इफेक्ट तो उनके नेटवर्क पर पड़ता है कि उनका नेटवर्क उतना प्रभावी नहीं रहा। दूसरा जो है जो मतदाताओं में उदासीनता देखी जा रही है पूरे कंट्री वाइड, उस उदासीनता का कारण जानना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही हैं, या पहले दौर के पहले जो मुद्दे थे और पहले दौर के बाद जो मुद्दे बदलते गए और मंगलसूत्र और तमाम इन चीजों पर आ गया, क्या लोगों को ऐसा लग रहा है मतदाताओं को कि उनके जो मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे हैं, उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं या उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है शायद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठा रही हैं, ये कारण भी उनकी उदासीनता का हो सकता है। मैं गर्मी और शादी को कोई कारण नहीं मानता, नहीं, मैं भी नहीं मानता गिरिजा शंकर जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष के वोटर जो है कि क्या फायदा जाके, मोदी जी हैं बीजेपी तो जीत ही रही है, ये भी तो हो सकता है ना। ये बीजेपी के वर्कर पर लागू होता है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जो एग्रेशन दिखना चाहिए, जो जो बड़े नेताओं के स्तर पर है, वो एग्रेशन फील्ड पे नहीं दिखता। यदि फील्ड पे यदि होता ऐसा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता, और ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के जो ग्रास रूट वर्कर हैं उनको शायद ऐसा लगा होगा कि सरकार तो हमारी बन रही है, अब वो 400 मिले या 450 मिले या 350 मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, शायद उस कारण से उनकी जो कार्यकर्ताओं में उदासीनता देखी गई हो। एक बड़ा कारण जो मैं सोशल मीडिया को मानता हूं,